नमस्ते, मैं हूं नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुयोग में। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारा कमर दर्द है उसको खत्म करने के कुछ योगासन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भुजंगासन, इसको शुरू में थोड़ा धीरे धीरे करें, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करें कुछ ब्रेक तक। ऐसे 2-3 बार धीरे धीरे। और फिर इसको हम ऐसे भुजंगासन को इस तरीके से करने के बाद, भुजंगासन का दूसरा तरीका है इस तरीके से उठाएं, कुछ देर तक यहाँ पे रुके, वापस याद रहे योग आसन में जब भी ऊपर जाते हैं तो ब्रीथ इन, नीचे आते हुए ब्रीथ आउट। ऊपर जाते हुए सांस को लेना है, नीचे आते हुए सांस को छोड़ना है। अब यहीं से शलभासन, एक एक करके पूरा शरीर पूरी बॉडी नीचे ही रहेगी, बस एक एक करके पैर ऊपर। इसको करने से जो स्टमक के नीचे जो फैट होता है, जो स्टमक लोअर हमारे स्टमक पे फैट होता है, बैली फैट होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और कमर का दर्द तो इससे ठीक होगा ही होगा। अब यहीं से मकरासन, इस तरीके से मैं आपको आगे से भी अभी दिखा देती हूँ हाथों को किस तरीके से रखना है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से, इसके बाद हम करेंगे उष्ट आसन तरीके से। ज़्यादा पीछे ना जाए, दोबारा देखिए। ये जो मैंने आपको पीठ दर्द के लिए आसन बताया है इसको आप रेगुलर करें, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाएं, इससे आपको कमर दर्द में बिल्कुल आराम आ जाएगा, फिर कमर दर्द आपको दोबारा नहीं होगा। और जो पीरियड के टाइम पे कमर में दर्द होता है ये उसमें भी आपको फायदा करेंगे, आप उस टाइम भी इसको कर सकते हैं। जो पीरियड में कमर का दर्द होता है वो भी धीरे धीरे चल के रेगुलर हो जाता है, अगर आप इन आसनों को रोज करते हैं तो आपको वो दर्द में भी आराम आएगा और धीरे धीरे आपका जो कमर का दर्द है वो परमानेंटली चला जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और